हम कितनी जहमत करते हैं इमाम जैनुल आबिदीन के जो इबादत की जीनत थे, यानी इबादत की जीनत, और इतनी इबादत के अबू हमजा उस्माली के जिनकी दुआ हम माह रमजान में पढ़ते हैं शबों के अंदर, यकीनन शायद वो अबू हमजा की पहली मुलाकात हो इमाम से, तो कहते हैं मैंने मस्जिद कूफा में देखा कि एक शख्स इतनी शदीद तरीके से खुदा की बारगाह में इबादत कर रहा है, गिरिया कर रहा है। मैंने कहा ये कौन है जवान? तो जैसे ही मस्जिद कूफा से बाहर निकले तो मैंने गुलाम से पूछा ये कौन है? कहा तुम नहीं जानते, हुसैन इब्ने अली, अली इब्ने हुसैन है, इमाम हुसैन का बेटा है। तो उस वक्त कहते मैं इमाम की खिदमत में गया, तो इमाम ने कहा कि अगर किसी को पता चल जाए मस्जिद कूफा में इबादत करने का सवाब तो अपने सीने के बल चल कर आएगा। अरे इबादत, इतनी शदीद इबादत के रावी बयान करता है कि घर में आग लग गई, शोर मच गया, मगर इमाम ने अपनी इबादत को तर्क नहीं किया, सजदों से सर नहीं उठाया। तो कहा मौला आप मुतवज्जे नहीं हुए, आग लगी हुई थी। तो इमाम फरमाते हैं दुनिया की आग से ज्यादा कयामत की आग खतरनाक है।